नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत आज हम वैरेक्टर डायोड का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैरेक्टर डायोड। पिछले सेशन में हमने जीनर डायोड का अध्ययन किया था और उसके अलावा वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह जीनर डायोड का प्रयोग का अध्ययन किया था। आज के इस सेशन में हम वैरेक्टर डायोड का अध्ययन करेंगे। इट इज़ ऑल्सो वन स्पेशल टाइप ऑफ डायोड विच इज़ यूज्ड फॉर दी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो वैरेक्टर डायोड की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड। जैसा हमने कहा था, जितने भी स्पेशल टाइप के डायोड्स होते हैं वो सभी पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, लेकिन उनके कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेरिएशन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। तो यहाँ वैरेक्टर डायोड में हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ पीएन जंक्शन डायोड हू जंक्शन कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन दी अप्लाइड वोल्टेज एंड इट इज़ यूज्ड एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। वेरी कैप जो होता है, वेरिएबल कैपेसिटर या वेरिएबल डायोड, वैरेक्टर जिसे बोलते हैं, वो जनरली उसकी जो जंक्शन की जो कैपेसिटेंस है वो डायोड पे अप्लाई होने वाले वोल्टेज पे निर्भर करती है। तो एक तरह से इट इज़ प्रोवाइड दी वेरिएबल कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग दी इनपुट वोल्टेज। तो एक तरह से हम वेरिएबल जो वेरी कैप है या वैरेक्टर है उसको एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं। दिस इज दी सिंपल फंक्शन ऑफ दी वेरेक्टर डायोड। द वर्ड वेरेक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम, अगर हम वेरेक्टर की बात करें तो द मीन्स ऑफ वेरेक्टर मीन्स वेरिएबल प्लस रिएक्टर। रिएक्टर का मतलब है रिएक्टेंस से है, तो एक ऐसा रिएक्टर जो वेरिएबल हो, यानी एक ऐसा जिसकी रिएक्टेंस परिवर्तित होती हो, ऐसा रिएक्टर जिसकी रिएक्टेंस परिवर्तित होती हो, तो उसे कहते हैं वेरिएबल रिएक्टर। तो वेरिएबल का VAR और रिएक्टर का ACTOR, उससे ये ड्राइव हुआ है वेरेक्टर, वेरिएबल रिएक्टर, ठीक है, या हम कहेंगे वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड विद द नेम ऑफ वेरी कैप, वेरिएबल कैपेसिटेंस से बनाए वेरी कैप और वेरिएबल रिएक्टर। तो हम वेरेक्टर डायोड को वेरी कैप और वेरिएबल रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द सिंपल सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरेक्टर डायोड। आप देखें तो आपने जब नॉर्मल डायोड को स्टडी किया था तो उसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन था वो ये था, सिंपल। इसमें बस अंतर क्या आ गया, बस एक नेगेटिव पर एक एज और आपको दिखाई दे रही है, दैट विल फॉर्मिंग लाइक अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर सा बना रही है ये। दिस इज दी वेरी कैप या वेरेक्टर या वेरिएबल रिएक्टर, कुछ भी बोले आप इसे, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके साथ साथ जीनर डायोड का आपने पिछले सेशन में अध्ययन किया तो जीनर डायोड में हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये जीनर डायोड का है। तो दिस इज दी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी वेरिएबल कैपेसिटर। इसमें ये देखें सिरा, तो ये एनोड है इसका डायोड का, पॉजिटिव सिरा, और ये दूसरा वाला नेगेटिव सिरा है जिसे हम बोलते हैं कैथोड। और इसके जंक्शन पे जो दो प्लेट दिखाई दे रही हैं, इट इज़ फॉर्मिंग लाइक अ कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट दिख रही हैं आपको जो कैपेसिटर का काम कर रही हैं। सो दिस इज दी सिंपली एक्चुअल व्यू ऑफ दी वेरेक्टर डायोड, कि जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो डायोड देखेंगे तो किस तरह का होगा, ये एक्चुअल व्यू है। दिस इज दी एक्चुअल व्यू ऑफ वेरेक्टर डायोड। दिस इज दी कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ दी वेरेक्टर डायोड। इसमें हमने एक पीएन जंक्शन देखे, आप एक पीएन जंक्शन बना हुआ है, ये पीएन जंक्शन है, ऊपर एक मेटल कॉन्टैक्ट है जिसे पी टाइप मटेरियल निकाल लेते हैं, और एक एन से हम यहाँ पर ये एन प्लस निकाल के, ये एन प्लस मटेरियल है, और ये नीचे देख रहे हैं एक हीट सिंक है, ये एपिटैक्सियल लेयर है, एपिटैक्सियल लेयर,
और दिस इज मेटल कॉन्टैक्ट। मेटल कॉन्टैक्ट हम लगाते हैं जिससे हमें पी और एन टर्मिनल को बनाने के लिए मेटल कॉन्टैक्ट बनाया जाता है, जिससे हम टर्मिनल पर कोई भी इनपुट देते हैं। तो दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ दी वैरेक्टर डायोड। ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल हम बात करेंगे तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की और इसे सर्किट वर्किट देन करेक्टरिस्टिक वो हम स्टडी करेंगे, बट ये पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दी कंस्ट्रक्शन ऑल्सो ऑफ दी वैरेक्टर डायोड। ऑपरेशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ वैरेक्टर डायोड की बात करें तो वैरेक्टर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस मोड। जैसे हम जीनर डायोड को रिवर्स बाइस में मोड में ऑपरेट करते हैं, ऐसे ही वैरेक्टर डायोड भी हमेशा रिवर्स बाइस मोड में ही ऑपरेट होता है। एज वी नो दैट कैपेसिटर मेड विद टू पैरेलल प्लेट हैविंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दैट। जैसा कि हम जानते हैं कैपेसिटर को, अगर आपने स्टडी किया तो कैपेसिटर के बारे में आप जानते हैं कि कैपेसिटर कुछ नहीं है, एक दो पैरेलल प्लेट होती है इस तरह की, एक प्लस प्लेट कहते हैं हम, एक नेगेटिव कहते हैं, उसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक मेटल होता है। तो दिस इज फॉर्म अ कैपेसिटर। तो द कैपेसिटर एज नथिंग, इट्स अ मेड विद टू पैरेलल प्लेट हैविंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम। इसी तरह से अगर हम डायोड की बात करें, वैरेक्टर डायोड की बात करें, तो इट्स ऑल्सो फॉर्मिंग अ टू लेयर पी एंड एन। दो लेयर है हमारे पास में, पी एंड एन लेयर ऑफ वेरिकैप वर्क एज अ पैरेलल प्लेट एंड द डिप्लीशन लेयर ऑफ द डायोड वर्क एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड में देखें तो डायोड में हमारे पास दो लेयर होती हैं, एक पी और एक एन। ये पी हो गई, ये एन हो गया, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है। तो दिस इज जो डिप्लीशन रीजन होता है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो पैरेलल प्लेट के बीच में होगा, तो इट विल वर्क लाइक अ पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक जो एक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज चेंज विद द अप्लाइड बाइस वोल्टेज। तो जो कैपेसिटेंस जंक्शन पर बन रहा है, एक फॉर्म हुआ है, एक डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म हुआ है, जिसे हम कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू बाइस वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू द बाइस वोल्टेज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिपेंड्स अपॉन द बाइस वोल्टेज। जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब पीएन जंक्शन डायोड को हमने स्टडी किया था, उस समय हमने देखा था कि जो हम वोल्टेज बाइस वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसमें डिप्लीशन रीजन जो है वो चेंज होता है। तो द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन वी डब्ल्यू डी इज नथिंग, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज या बाइस वोल्टेज। तो डब्ल्यू डी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में वी, ये डायरेक्ट इस पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस की बात करें, क्योंकि हमने कहा डिप्लीशन रीजन जो है वो एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, वहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक है, तो जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ चेंज हो रही है तो ऑब्वियस है कि वो उसकी वैल्यू कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वी। तो वी इज अ अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स में जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो है। वेयर डब्ल्यू डी इज नथिंग, इट्स अ विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। V is a applied bias voltage or C is a diode की capacitance. If the area of depletion region is A and distance between plate is WD, then अगर हम ये मान रहे हैं कि जो depletion region है उसका area A है और दो plates के बीच की जो distance है वो WD है, तो जो capacitance जो निकल formula आएगा that C is equals to E A upon WD। यहाँ पर अगर देखें तो C तो कैपेसिटेंस हो गया, A एरिया हो गया, एरिया ऑफ द डिप्लीशन रीजन, डब्ल्यू डी इज अ विड्थ बिटवीन द टू प्लेट्स, और A इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जंक्शंस, E इज अ परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक हम देखें इस वैरेक्टर डायोड की। तो हमने बाई एक्सिस पर कैपेसिटेंस लिया इन पिको फेरेड और एक्स एक्सिस पे हमने रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई किया है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम रिवर्स के वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, जब हमारा वोल्टेज जीरो उस समय कैपेसिटेंस की वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे जैसे रिवर्स के वोल्टेज को हम बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा कर्व है इसका, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि हमने देखा द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। पीछे हमने देखा था सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वी आर। तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस कम होगा। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द वैरेक्टर डायोड। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड डिपेंड्स अपॉन द डायोड जंक्शन बैरियर वोल्टेज। डायोड जंक्शन का जो बैरियर वोल्टेज बढ़ाएगा उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। एप्लीकेशंस ऑफ वैरेक्टर डायोड की बात करें तो वैरेक्टर डायोड इज यूज्ड इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, पैरामेट्रिक ऑसिलेटर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो यानी कि जनरली हम वैरेक्टर डायोड का जो यूज है एम्पलीफायर्स में, ऑसिलेटर्स में,
एंड वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स में हम इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें वेरिएबल कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ती है। वेरेक्टर डायोड इज मेनली यूज्ड एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, जो मेन यूज है इसका वो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के रूप में होता है। जैसे कि हमने पीएन जंक्शन डायोड जो नॉर्मल पढ़ा था उसका जो मेन यूज था वो रेक्टिफायर के लिए था। जीनर डायोड को जब हमने अध्ययन किया तो हमने देखा जीनर डायोड का जो मेन एप्लीकेशन था वो वोल्टेज रेगुलेटर में था, वोल्टेज स्टेबलाइजर में था। इसी तरह से वेरेक्टर डायोड का जो मेन एप्लीकेशन है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर में है, वीसीओ में है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम ट्यून सर्किट यूज करते हैं जहाँ पर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को वेरी करना होता है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं। मिक्सर सर्किट में, ट्यून सर्किट्स में हम इसका यूज करते हैं। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ दी वेरेक्टर डायोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।